बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या रसूलल्लाह। आज मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के एक अजीम मुजाहिद डॉक्टर अब्दुशकूर के घर उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। कराची से फ़ोन करके उनके बेटे हसन से ताज़ियत तो कर ली थी। बहुत अजीम इंसान थे, तहक़ीकी सोच के आदमी थे, बहुत तंजीमी काम किया। मुलाकातें तो 30-35 साल से ज़्यादा अरसे से फैली हुई थी और माशाल्लाह उन्होंने पंजाबी में सीरत पर एक किताब लिखी जिसको एक सदारती अवार्ड मिला। इसके अलावा मरकज़ तहकीक में भी प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक़ कुरैशी साहब के साथ वो बहुत काम करते थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी हुब्बे रसूल का और हुब्बे औलिया का और अहले बैत और सहाबा का अंदाज़ा लगाना हो तो बेटों के नाम से लगाया जा सकता है कि एक का नाम बिलाल है, दूसरे का जुनेद है, तीसरे का हसन है। सारे नामों में यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत, अहले बैत अत्थार की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, हज़रत जुनेद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो जो मकाम मिला वो अहले बैत अत्थार की के सामने अपने आप को झुका देने की वजह से मकाम मिला था। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई के घर को आबाद रखे, घर को दारुल सुकून बनाए, दारुल मोहब्बत बनाए, दारुल करार बनाए, दारुल शिफा बनाए। और बिलखुसूस मैं इन तीनों बेटों से कहता हूँ कि वालिद की रूह को खुश करना है तो वालदा की खिदमत करें। उनकी बात कोई समझ में भी ना आए तो हमें उफ़ करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा करेंगे इंशाल्लाह तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और अगला जहान भी संवर जाएगा। मेरे साथ ताज़ियत के लिए फैसलाबाद के अहले सुन्नत की क्रीम आई हुई है। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुशकूर के दर्जात को बुलंद फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।